जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि 24 मार्च को लाहौर से मुस्लिम लीग नून की जो रैली है वो शुरू होगी और वो इस्लामाबाद से जाएगी, मुख्तलिफ शहरों से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँचेगी। जिले में जो रैली है वो कहाँ पहुँचेगी, कब पहुँचेगी, इस वक्त मेरे साथ साबिक MP मुस्लिम लीग नून मेयर मोहम्मद फयाज़ और चौधरी सईद इकबाल जो वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या तैयारियाँ। 26 को इंशाल्लाह ताला वो सुबह जेलम पहुँचेंगे और उसमें तकरीबन 12 से लेकर 2 बजे तक उनकी मतवक्को आमद है और इंशाल्लाह ताला उससे पहला जो इस्तकबाल है उनका ज़्यादा पे होगा और एक भरपूर इस्तकबाल होगा। उसके बाद दीना होगा और दीना से हम लोग सारे जेलम वाले भी दीना वाले भी आगे इंशाल्लाह ताला उनके साथ चलेंगे और एक बहुत बड़ा कारवां निकलेगा जेलम से इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि मेयर मोहम्मद फयाज़ बता रहे थे कि वो 26 मार्च को जेलम से जो है वो जेलम पहुँचेंगे और जेलम से दीना सुहावा से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उनका भरपूर जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। मेरे साथ जो है वो चौधरी सईद इकबाल साबिक MP मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या तैयारियाँ कर रखी हैं। 24 तारीख को ये काफिला लाहौर से चलना है, रास्ते में एक दिन गुजरा वाला जलसा भी होगा और क्याम भी होगा। दूसरे दिन जो अभी तक हमारे पास इतलात मौजूद हैं वो सराय आलमगीर में जलसा भी करेंगी और क्याम करेंगी और 26 तारीख को सुबह तकरीबन 11 बजे के राउंड अबाउट जो हमें बताया जा रहा है वो सराय आलमगीर से चलेंगी और रावलपिंडी की तरफ रवाना होंगी और हसब साबक इंशाल्लाह ताला जिस तरह मुस्लिम लीग नून ज़िला जेलम की पहले भी मियाँ साहब का भी इस्तकबाल करते रहे हैं, मरियम बीबी पिछले दिनों भी आई थी और उन्होंने क्याम भी यहाँ जेलम में बिलाल अज़हर कियानी साहब के बल्कि जनरल अज़हर कियानी साहब के फार्म हाउस पर किया था, तो उस वक्त भी बढ़ चढ़ कर हमने इस्तकबाल किया था। इस मरतबा इंशाल्लाह ताला अज़ीमुश्शान इस्तकबाल होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा इस्तकबाल होगा। इस वक्त जो दुनिया या जो जोश व जज्बा मैंने वर्कर में पाया है इससे पहले अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा और हमारा प्रोग्राम जो बन रहा है बिलाल अज़हर कियानी साहब भी जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के हमारे, वो भी इंशाल्लाह कल तशरीफ़ लेंगे, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हतमी शक्ल दी जाएगी और फिलहाल हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है कुछ लोग जो हैं ज़्यादा चुंगी पे जमा हो जाएंगे, कुछ दीना जमा हो जाएंगे, कुछ सुहावा जमा हो जाएंगे और जो हमारा प्रोग्राम बन रहा है बिलाल अज़हर कियानी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी चेयरमैन साहबान कौंसलर और मुस्लिम लीगी वर्कर जो इंतहाई अपनी शिद्दत के साथ अपने लीडरान का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त वो जेलम की सर ज़मीन पर कदम रखें और इंशाल्लाह ताला हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है वो पुल से उनका इस्तकबाल करेंगे। जब जेलम की हदूद में दाखिल होंगे वहाँ से हम उनका इस्तकबाल करेंगे और लेकर साथ जहाँ तक जुलूस और ये काफिला आखिरी जलसागा रावलपिंडी या इस्लामाबाद जो भी उनका तयन करेंगे वहाँ तक जेलम के आबासी जोगदार जोग और अपने जोक व शोक के साथ वहाँ जलसे में शरीक होंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि चौधरी सईद इकबाल बता रहे थे कि जो कायदीन आ रहे हैं उनका भरपूर जोश व जज्बे के साथ जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। कायदीन जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो है वो 26 मार्च को जेलम पहुँचेंगे और वहाँ इनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा और यहाँ से जो काफिला है ये रैली है ये इस्लामाबाद जो है वो पहुँचेगी। राजा मुबारक कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि दो मुख्तलिफ धड़े जो है वो मुस्लिम लीग उनके सामने आ रहे हैं तो अलग-अलग हैं, इस वाले से आप क्या कहते हैं? ये जो तो इस्तकबाल है मरियम नवाज़ साहबा का या हमारे कायदीन का इस हवाले से तो अल्लाह के फजल करम से कोई एक हम सब एक ही पेज पर हैं, कोई अख्तलाफी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो जितना भी जेलम का हिस्सा आता है दीना से लेकर जेलम तक ये तमाम सड़क जिधर तरफ देखें आप वाम आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी और इस हुकूमत के कंडक्ट जैसे आपने देखा है इसके खिलाफ जो इत्मीनान पेश हुई है जो एक आइनी और कानूनी हक है जिस असम्बली ने इसे वज़ीरे आज़म मुंतखब किया था उस असम्बली के जिन लोगों को इन्हें वोट दिया था यही अब पहले दिन से इसने यही कहना शुरू कर दिया है कि उन लोगों को वोट का हक नहीं मिलना चाहिए, वो वोट असम्बली में हमारे लोग उन अपने लोग असम्बली में ना जाएँ, ये अपने लोगों पर भी इस एतबार नहीं है। इसे पता है कि असम्बली में ये अक्सरियत खो चुकी है गवर्नमेंट, इसके पास कोई अक्सरियत नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो असम्बली में भी अक्सरियत खो चुके हैं, अदम अतमाद कामयाब होगी उस अदम अतमाद से राय फरार अख्तियार करने के लिए जितने भी इले बने इस नायल हुकूमत ने अख्तियार की हैं इंशाल्लाह ताला सारे नाकाम हो जाएंगे और असम्बली के अंदर अदम अतमाद की तारीख कामयाब होगी और असम्बली के बाहर जिस इलाके से हमारा जुलूस गुजरेगा ये काफिला गुजरेगा
वहाँ पर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के खिलाफ अवामी एक रेफरेंडम है जो पाकिस्तान के अवाम का, वो भी आपको साबित होगा अहतमाद बार वहाँ भी इसके खिलाफ अहतमाद करेंगे। मुबारक यानी साहब कह रहे थे कि असम्बली के अंदर भी जो है वो भी अदम अहतमाद होगा और जो बाहर सड़कों पर भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के जो खिलाफ है वो अदम अहतमाद जो है वो पेश हो चुका है। और 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज जेल में पहुँचेंगे उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, अवाम का जो है एक समंदर जो है वो सड़कों पर मौजूद होगा और मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम जो है वो मुतहद है इस बात पर कि उनका जो है वो सब जो है वो मिलकर भरपूर इस्तकबाल और तारीखी इस्तकबाल करेंगे।